अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। ये अपना खुद का काम से ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। जितना ज्यादा ध्यान देंगे उतनी अच्छी सिलाई, जितना अच्छी सिलाई होगी उतनी अच्छी फिनिशिंग, जितनी अच्छी फिनिशिंग उतनी ज्यादा बिक्री और मुनाफा। नजमा, ये वाला डिजाइन हमने बोला था ना, ये कॉपी करके सबको समझा देना। हा? जी दीदी। माँ, मुस्कान का कोचिंग से छूटने का टाइम भी हो गया होगा ना? अरे हाँ, बकत तो ओके, उसे तो आ जाना चाहिए था, फोन लगाओ जरा। हाँ। अरे भाई पढ़ाई है, कल कभी देरी हो जाती है। ये तो बुलबुल का फोन है। हाँ बुलबुल, ठीक से पहुँच गई ना? कोई दिक्कत तो नहीं हुई? माँ आप हमारी चिंता छोड़िए, घर में सब ठीक है ना? यहाँ कहाँ होगा, सब ठीक ही है, तुम बताओ। माँ हमें लगता है कि कुछ गड़बड़ है, किसी ने हमें जानबूझकर यहाँ पटना बुलाकर गुमराह करने की कोशिश की है। यहाँ पे कोई स्टेट लेवल रेसलिंग कॉम्पिटिशन नहीं हो रहा है माँ, हमें तो ये सब कुछ किसी साजिश का हिस्सा लग रहा है। ये क्या बोल रहे तुम? बुलबुल तुम एक काम करो, फिर सुबह पहली बस पकड़ के तुम जल्दी से जल्दी वापस आ जाओ, और कोई भी दिक्कत लगे ना बीच में दोबारा से फोन कर लेना। हा? हमें बताती रहना सब। हाँ माँ हम आते हैं। हाँ हाँ जल्दी रखो रखो। क्या हुआ? बुलबुल का फोन आया है, वो कह रही कि वहाँ पे पटना में कोई कंपटीशन वॉम्पिटिशन नहीं है, किसी ने बदमाशी की हम लोगों के साथ और कोई कोई साजिश खेल रहा है। क्या कह रहे तुम? समझ में नहीं आता कोई काहे करेगा ये सब। काकी, काकी कहो रहो तुम, इस मुस्कान का है? मुस्कान को कोई उठाकर ले गया। का? क्या? पता नहीं कौन लोग थे, जब मैंने उन लोगों को रोकने की कोशिश की उन्होंने मेरे को बहुत मारा और मुझे भी किडनैप करने के लिए गाड़ी में खींचने लगे। मैंने बहुत मुश्किल से अपने आप को बचाया, लेकिन उतनी ही देर में वो लोग मुस्कान को उठाकर ले गए। हम जानते थे जरूर कुछ बुरा होने वाला है। हमने तो कई दिनों से दिल घबरा रहा था, अपनी बेटियां कहां होंगी, किस मां तुमने देखा होगा ना गाड़ी कहां पे गई, कितने लोग बैठे हुए थे उसके अंदर। अरे रंग क्या था गाड़ी का, कुछ तो बोलो ना तुम राहुल। संभालो संभालो अपने आप को। राहुल तुमने किसी को पहचाना, कोई जानी पहचानी शक्ल थी? घर वालों के अलावा कौन जानता है कि इस वक्त मुस्कान कोचिंग क्लास से जाती है। ये जरूर ललिता का क्या धरा होगा। इतना बड़ा काम यही कर सकती है। हम आपसे कसम खाते हैं, अगर हमें पता चला ना कि इन सब के पीछे ललिता जी का हाथ है तो आपकी कसम ये गलती उनकी जिंदगी की आखिरी गलती होगी। जो ये गलती नहीं गुनाह है, और गुनाह की माफी नहीं सजा होती है, और अगर ललिता ने ये गुनाह किया है तो उसको सजा भी जरूर मिलेगी। मुखिया जी, ऐसे ऐसे जल्दबाजी में किसी पर इल्जाम लगाना सही नहीं है, और अगर किडनैपिंग किसी और ने की होगी तो हमारी मुस्कान तो मुश्किल में आ जाएगी ना। हमें पुलिस की हेल्प ले लेनी चाहिए। नहीं 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 राहुल नहीं, शालू सही कह रही है, अगर किसी और ने किडनैपिंग किया है तो पुलिस के पास जाने से बात और बिगड़ सकती है। हमें वेट करना होगा, अगर उसने सब पैसों क्लिक किया है तो फिरौती के लिए फोन जरूर आएगा। फिरौती के लिए कॉल तो तब आएगा जब पैसों के लिए किडनैपिंग की होगी। यहाँ लड़की गायब मतलब हमेशा के लिए गायब। अपनी बेटियां कहाँ होगी, कैसी होगी? रंजू संभालो अपने आप को, संभालो। मुस्कान
जानते थे ऐसे ही होने वाला है। हमने सबसे कहा भी था कि हमने मुस्कान है गरीब आदमी कहा होगी बोल ये सब कैसे हुआ उठो कैसे खोजोगे कहा खोजोगे ये हम ना ही जानते हमको हमारी मुस्कान चाहिए वो भी सही सलामत चाहिए फिर तुम अपने पास सुन रहे ना बाजी हमने कहा था इस घर में हमें बच्चे सुरक्षित नहीं देख लिया ना क्या हो गया हमारी मुस्कान के साथ वो किस हाल में होगी कैसी होगी नहीं जी नहीं जी क्या हुआ क्यों चिल्ला रहे हैं हम आपसे एक सीधा सवाल करेंगे उसका सीधा जवाब चाहिए हमें क्या आप जानती हैं कि मुस्कान कहाँ है क्या मतलब है आपका क्या हुआ मुस्कान को मुस्कान को किसी ने किडनैप कर दिया है और सब जानते हैं मुजफ्फरपुर में अगर आपने किसी से दुश्मनी मोल ली है तो वो रंजू है हमारा सवाल बहुत सीधा और सिंपल है क्या आपका हाथ इस किडनैपिंग में है ये क्या बदतमीजी मिश्रा जी रंजू और उसकी बेटियों के साथ कुछ भी हो जाता है आप इल्जाम हम पे लगाते हैं इल्जाम नहीं लगा रहे हम शराफत से पूछ रहे हैं हम इस बार मामला बहुत अलग है अगर आपकी गलती हुई तो सजा गुनाहों वाली मिलेगी मिश्रा जी बस बहुत हो गया अब आप भी ध्यान से सुनिए हमें डरा धमका के आपको कुछ हासिल नहीं होने वाला है और इस तरह हमें उकसाने पर हम शांत भी नहीं रहने वाले इस वक्त आप सब लोग गुस्से में इसलिए हम कुछ बोल नहीं रहे और मिश्रा जी हम पर शक कर रहे हैं इसलिए हम पुलिस स्टेशन चलने के लिए तैयार है कोई गुनाह कबूल करने के लिए नहीं बल्कि मुस्कान के किडनैपर को पकड़वाने के लिए तुम्हारी मदद करने के लिए चलो लकी विकी गाड़ी निकालो रुकिए ललिता जी हमें आपकी मदद की जरूरत नहीं है कहीं ऐसा ना हो कि आपकी मदद के बाद हमारी बिटिया और मुसीबत में पड़ जाए मदद करना चाहती है ना तो इतनी मदद कीजिए क्योंकि हम हमारे परिवार से दूर रही हे माता रानी एक माँ की ममता आपसे ज्यादा और कौन जान सकता है जब बच्चों पर मुसीबत आती है तो माँ के दिल पर काम बीतती है ये तो आप भली बांधी जानती है क्योंकि आपके अंदर गंगा की महान ममता और दुर्गा की अपार शक्ति है और आज हमें आपके इन दोनों रूपों की जरूरत है माता रानी क्योंकि आज हम अपनी मुस्कान को ढूंढने में जमीन और आसमान एक कर देंगे और आपकी कसम यदि हमारे रास्ते में कोई आया तो हम आपका दुर्गा रूप धारण कर लेंगे अब इस माँ के कदम तभी थामेंगे जब उसकी बेटियां इस घर में वापस लौट आएगी
शक्ति देना माता जी, शक्ति देना। एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।